हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पार्टनरशिप अकाउंट, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर डिसीजन लेते हैं कि हमने बिजनेस को कैरी ऑन करना है, तो उस वक्त हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उस बात को समझेंगे। अगर मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्लस टू के लिए जो है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स का कोर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर जो है डिसाइड करते हैं कि हमने बिजनेस को कैरी ऑन करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ए बी सी देवर पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 1/2, 2/5 एंड 1/10 रिस्पेक्टिवली है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अगर सी की डेथ हो जाती है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेशियो बिटवीन ए इज टू बी इज टू सी के बीच में कितना है, 1/2 इज टू 2/5, 2/10। तो 10 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे ए का शेयर आ जाता है 5 और बी का शेयर 4, सी का शेयर 1, तो 5:4:1 जो है ये आ जाता है। और यहाँ पे जो है सी की डेथ हो जाती है और हमें कुछ और नहीं बता रखा, तो उस सिचुएशन के अंदर ए और बी का जो रेशियो रह जाएगा 5:4। उसी तरह क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है तो बी और सी के बीच में जो रेशियो रहेगा 4:1। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे अगर जो है डी की डेथ हो जाती है तो ए और सी के बीच में जो रेशियो रहेगा 5:1। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सेकेंड सिचुएशन है एस एम एंड एच पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5:4 है, एम की डेथ हो जाती है और उसका शेयर जो है इक्वली एस एंड एच लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एम का शेयर है वो है 5/40 और ये इक्वली लिया गया है एस और एच ने, तो इसका हाफ जो है 5/1/4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 5/28। 5/28 जो है एस लेता है और 5/28 जो है वो एच लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एस का ओल्ड शेयर है वो है 5/14 और एच का पुराना शेयर है 4/14। तो अब इन्होंने क्या है कि एम से भी शेयर लिया है इक्वली, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एस का न्यू शेयर क्या है। तो पुराने शेयर के अंदर हम जो उसने एम से लिया है वो ऐड कर देते हैं 5/14 प्लस एम बाय 5/14 प्लस 5/28। तो यहाँ पे 28 एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पे एस का न्यू शेयरिंग रेशियो जो हो जाता है 15/28, एच का पुराना रेशियो है, पुराना शेयर जो है 4/14 है और जो उसने एम से लिया है 5/28 वो ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल हो जाता है 13/28। तो जो न्यू रेशियो है एस और एच के बीच में वो हो जाता है 15:13। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन के अंदर। फिर थर्ड सिचुएशन में हम देखते हैं कि जैसे ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तो ये पुराना शेयर दिया हुआ है, ए की डेथ हो जाती है और बी सी जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1। तो ये उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो बताना है। तो हमने देखा कि बी का पुराना शेयर जो था वो 3/9 है और सी का पुराना शेयर जो है 2/9 है। तो न्यू रेशियो जो है 2:1 है, इसका मतलब है कि बी का जो न्यू शेयर है वो है 2/3 और सी का जो नया शेयर है वो है 1/3। तो अब हम देखते हैं कि गेनिंग निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बी का ओल्ड शेयर है 3/9, न्यू शेयर है 2/3। तो गेनिंग, बी ने कितना गेन किया है, उसके लिए हम ये जो है न्यू शेयर के अंदर से पुराना शेयर माइनस कर देते हैं, 2/3 - 3/9, तो एन जो है एलसीएम आ जाता है, तो 6-3। तो जो बी है उसने 3/9 जो है गेन किया है। और उसी तरह क्या है कि हम सी का भी जो है
ओल्ड शेयर है 2/9, न्यू शेयर जो है 1/3 है, तो गेनिंग उसका भी निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 1/3 माइनस 2/9, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 9, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 माइनस 2 तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाता है 1/9, उसका जो गेनिंग रेशियो है 1/9 है, और जो बी और सी ने जिस रेशियो में गेन किया है डेट इज 3:1। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। फिर हम देखते हैं कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। अब सी की डेथ हो जाती है तो ए भाई साहब क्या करते हैं कि सी का जो शेयर है उसका 4/9 शेयर ले जाते हैं और बैलेंस जो है वो बी ले जाता है। तो यहाँ पे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताना है और गेनिंग रेशियो भी बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिकली सी का शेयर था 2/9 और ए उस शेयर का कितना लेके जाता है 4/9, तो इसका मतलब है 2/9 × 4/9 ऑफ सी शेयर, तो ये आ जाता है 8/81। और जो देखो ए ने 4/9 ले लिया तो रिमेनिंग शेयर रह गया 5/9, तो सी का शेयर है 2/9 तो उसका 5/9 हो जाएगा 10/81। तो यहाँ पे देखो उन्होंने गेन जो किया है डेट इज 8:10, डेट इज 4:5 के रेशियो में उन्होंने गेन किया है। अब हम देखते हैं कि उनका जो है न्यू रेशियो कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सी का शेयर जो है 2/9 है और जो ए लेके जाता है वो 8/81 है और बी जो लेके जाता है 10/81। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए का जो पुराना शेयर है वो है 4/9 और जितना उसने जो है बी से लिया है 4/9 प्लस 8/81 हम उसमें ऐड कर देते हैं, 81 एलसीएम आ जाता है, तो यहाँ पे 36 प्लस 8 आ जाता है, तो 44/81 जो है उसका न्यू रेशियो है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जो बी का रेशियो है यहाँ पे सॉरी मैंने सी की डेथ होती है तो यहाँ पे जो बी है उसका जो पुराना रेशियो है वो है 3/9 और जो न्यू शेयर है 3/9 के अंदर हम ऐड कर देते हैं 10/81, तो यहाँ पे 81 हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाता है 27 प्लस 10, तो यहाँ पे 37/81 जो है वो न्यू रेशियो है। और ए और बी के बीच में जो न्यू रेशियो है 44/81:37/81 जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 44:37, तो ये उनका न्यू रेशियो है। तो इस तरह से हमने जो है इस सिचुएशन के अंदर जो है अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इस तरह से हमने गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट